नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वे क्रेडिट। ये एक उधार खाता बुक है, ये देखिए वे क्रेडिट है, ये उधार खाता बुक है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओपन होके आ गया हमारा है। आप जिसके भी नाम से पेमेंट लेना हो या देना हो, इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जुन्नू लाल से हमको 2000 रुपये लेना है। अब कैसे लेना है इसे हम ओपन करेंगे, क्लिक कर देंगे उस पर। अब लेना हो या देना हो, ये पेमेंट लें, ये उधार दें। दोस्तों यही है, अगर आपको उससे लेना है तो आप उधार दे पे करेंगे, अगर उसको देना है पेमेंट ले पे। देखिए दोस्तों, मैं उधार दे पे करता हूँ, उधार दे आ गया। अब यहाँ पे हम रकम डाल देंगे जितना हमसे उससे देना है, सेव करें। दोस्तों यहाँ पे आप नोट जोड़े, मतलब किस सामान का है या नगद लिया है, कैसे लिया है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। दोस्तों यहाँ पहले नोट जोड़े पे, यहाँ पे मतलब उसको दिया मैंने, उसको उधार दिया। उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। दोस्तों सेव हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब 2000 रुपये आ गया। अब मैंने इसको दिया है तो उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है तुरंत, 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं, पहुंच जाता है मैसेज उसके पास। आप इसे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, पूरा लेन देन PDF में भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर उसे बीच में याद दिलाना चाहते हैं तो कि उधार है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, उसको क्लिक करते हैं याद दिलाए पे। अब मैसेज करना है या व्हाट्सएप करना है या इत्यादि, मतलब फेसबुक या किसी और के ज़रिए आप कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें अपना बैंक खाता भी जोड़ सकते हैं, भीम UPI भी जोड़ सकते हैं, ताकि कस्टमर आपके खाते में पैसे भेज सकें। देखिए दोस्तों, बैंक खाता IFSC कोड, अगर बैंक खाता IFSC कोड नहीं डालना चाहते तो आप अपना UPI ID डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आपका सुरक्षित रहेगा। बहुत ही बढ़िया ऐप है, समझने में आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। दोस्तों मैंने जिसको उधार दिया उससे अब ले लेते हैं, क्योंकि मैं उसको दिया नहीं हूँ, उसको हमें जीरो करना है ना, उसको दिए नहीं तो कहाँ से। अब इसको हमें जीरो करना है तो कैसे करेंगे, पेमेंट ले पे क्लिक करना है आपको। पेमेंट ले पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे 2000 डाल दिए रकम, उसके बाद सेव कर देना है। यहाँ हमने रकम डाल दी, उसके बाद सेव कर देना है। ये सेव हो गया, यहाँ पे जीरो बैलेंस आ गया सर। अब कस्टमर के मोबाइल पे चला गया होगा मैसेज, वो भी कहता होगा यार हमने पैसे लिए नहीं हैं, कहाँ से मैसेज आ रहा है लेनी देनी, पर मुझे जानता अच्छी तरह से, अपना ही आदमी है, कोई बात नहीं दोस्तों। बस ऐसे ही आपको करना है। मैं इस ऐप का लिंक हो सकता है अगर मिलेगा दे तो डायरेक्ट फॉर्म में डाल दूंगा मैं ना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है।